ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे, इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? ये कि यह एक बहुत ही निंदनीय और दुखद और इससे अधिक कष्टदायी कोई घटना नहीं हो सकती है। और आज देश में इस तरह की घटनाएं अगर होंगी और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से इस तरह के पीड़ित परिवारों से श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे पैदा होंगे, और अगर न्याय मिलेगा तो इसका संदेश अच्छा जाएगा पूरे प्रदेश में। अपराधियों के लिए काल साबित करने वाले सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा कहना है कि आप एक तरफ ऐलान करते हो कि अपराधी या तो ऊपर जाएगा या जेल के सलाखे में रहेगा या जमींदोज कर दिया जाएगा, तो इस तरह की नृशंस हत्या करने वाले अपराधी कितने घंटे में जमींदोज होंगे, कब न्याय मिलेगा इस पीड़ित बालक को? पीड़ित बालक को न्याय दिलाने की, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग संगठन चला रहे हैं, आश्वस्त करते हैं कि न्याय दिलाने में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। अब तक जो भी जहां भी उत्पीड़न हुआ इस तरह की, हम लोग सफलता अर्जित किए हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं, हम ही नहीं देख रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश देख रहा है, एक जात विशेष नहीं देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी इस विभत्स कांड में पीड़ित परिवार को कब और कितना शीघ्र न्याय दे रहे हैं। 3 तारीख से लगातार ये चर्चा है, प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चल सकता है, इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा जनमानस कह रहा है कि अगर ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य वर्ग के साथ अगर ये घटना हुई होती तो अब तक बुलडोजर चला होता, गाड़ी पलट गई होती, लेकिन इतनी बड़ी घटना, 5 लोग जानवर की तरह काटे गए हैं, इस परिवार को न्याय कब देगा? योगी आदित्यनाथ से बहुत बड़ी उम्मीद और अपेक्षा और टकटकी लगाए पूरे देश और प्रदेश की जनता देख रही है। एक मेरा बड़ा सवाल, जातिवादी एंगल दिया जा रहा है, आप खुद एक संस्था चलाते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या इस घटना से पहले कभी इस परिवार के लोगों की पीड़ा जानने की कोशिश की है आप? मुझे जानकारी नहीं थी, जानकारी रही होती तो आज देश का सबसे बड़ा संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ, हर राज्य में जा रहा हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं प्राप्त हुई थी, नहीं निश्चित रूप से संगठन इसमें हस्तक्षेप किया होता। जानकारी हुई, सुबह घटना हुई और 7 बजे रात को ही मैं लाई बा करके घटना की निंदा किया और अनवरत परिवार से जुड़ा हूँ, अभी गोरखपुर गया था छोटे भाई को देखने, इनसे मिलने आया हूँ और जो भी हम लोगों की शक्ति है इस पीड़ित परिवार के साथ है और न्याय दिलाने का कार्य करूँगा। अब जो इस पूरे मामले में एक जातिवादी तुल दिया जा रहा है ब्राह्मण वर्ग से यादव, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, अपराधी भी किसी जात का होगा, घटना भी किसी जात के साथ होगी, मानवता को शर्मसार कर किसी भी के साथ, ब्राह्मण तो जाति है नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा है, किसी के साथ घटना होती है तो ब्राह्मण आंसू बहाता है, सहयोग करता है, आज ब्राह्मण के ऊपर आया है तो सभी वर्गों को की सिंपैथी इस पीड़ित परिवार और बालक के साथ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे कि ये दोनों बच्चों को, अब तो कोई है नहीं, इन दोनों बच्चों को राजकीय संरक्षण और सुरक्षा आजीवन मिलनी चाहिए, इसलिए कि किस माँ को देखेंगे, किस पिता को देखेंगे, कौन होगा, यही मुख्य गवाह है, कभी भी इनके पर खतरा है, इसलिए आजीवन इनको संरक्षण और सुरक्षा सरकार प्रदान कराए, इस आस में है। तो ये देवेश हैं, देवेश की हालत आप देख सकते हैं, आंखें सूख गई हैं रोते रोते, और कहीं ना कहीं इन आंखों में सिर्फ दर्द है और दर्द के साथ एक उम्मीद भी है, उम्मीद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है कि उस पीड़ित को न्याय मिले, एक परिवार कहीं ना कहीं इस परिवार की जो पूरी पीड़ा है समाज और सिस्टम पे एक सवाल खड़ा करती है, लगातार जब कई सालों से मामला न्यायालय में चल रहा था तो निचले स्तर पे राजस्व प्रशासन थाना तहसील के कहीं ना कहीं लापरवाही हुई होगी, और कहीं ना कहीं आज जो प्रशासन ईमानदारी दिखा रहा है फतेहपुर गांव देवरिया रुद्रपुर का जो पूरे छावनी में तब्दील है, अगर ये ईमानदारी प्रशासन पहले दिखाया होता तो शायद दुबे परिवार आज जिंदा होता और प्रेम यादव भी जिंदा होता। लेकिन इस पूरे मामले पे एक बात की मैं अपील करना चाहूंगा, इस पूरे मामले को जातिगत राजनीति से देखना ठीक नहीं है, आप इस पूरे पीड़ा को समझिए, उन छोटे मासूम नौनिहालों का दर्द देखिए, किस तरीके से बेरहमी से उनके जान को जो है खत्म कर दिया गया और पूरा परिवार जो है अब अंधेरे के गलियारों में चला गया। अब इस पूरे परिवार में बड़ा भाई देवेश और एक छोटा अनमोल जो गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, अब देखने वाली बात होगी सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को न्याय दिलाती है, ताकि शासन और प्रशासन पे एक बड़ी जिम्मेदारी है और उत्तर प्रदेश की जनता को
योगी सरकार से एक उम्मीद भी है। गांव वाले रिपोर्टर के साथ जुड़े रहिए, विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार।